हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ किस तरह से आप अपने बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं, वो भी यूनियन बैंक। जी हाँ, यूनियन बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। पिछले बार मैंने हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया था, तो आप लोगों ने उसमें कमेंट किया था कि मुझे हेल्पलाइन नंबर तो मिल गया है, बट मुझे बैलेंस भी चेक करना है कैसे करें। तो आज के वीडियो में यही क्लियर करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन होगा वो दबाना ना भूले, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और लाइक कर दीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। चलिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो आप सिंपली वहां पे आपको प्ले स्टोर में लिखना है बैंक बैलेंस, आपको यहां पे लिखना है सिंपली से बैलेंस चेक। अब जैसे लिखेंगे, सर्च करेंगे, आपको ये देख सकते हैं व्हाट्सअप का कॉलिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको इंक्वायरी पे, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे इसको इंस्टॉल कर लेना है आपको, और ये किसी भी बैंक में काम करेगा, ये बेफिक्र रहिए, आपको ये बहुत ही काम का है एप्लीकेशन। और मान लीजिए मुझे इसमें बैलेंस चेक करना है, इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से SMS बैंकिंग वगैरह और IFSC कोड वगैरह जान सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग और कोड वगैरह, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है। और मिस कॉल से भी आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ऊपर वाले में ही दिख रहा है। तो अब चलिए अब बताता हूँ कि इसे चेक कैसे करना है। चेक करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से आप बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यूनियन बैंक का सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा टॉपिक यही है। तो यूनियन बैंक पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, आप देख सकते हैं मिनी स्टेटमेंट बाय SMS, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा, आप SMS कर सकते हैं और इस नंबर पर, और आपको रजिस्टर मोबाइल से ही करना होगा, आपको बैलेंस दिख जाएगा, ठीक है। और या फिर ऊपर देख सकते हैं आपको 92 जो लास्ट में है, आप इसे भी कॉल कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा। सबसे नीचे वाला है जो कि हेल्पलाइन नंबर है, इस पर भी कॉल करके आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, बट आप रजिस्टर मोबाइल से ही कीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ऊपर वाला जो है ये बैंक जो मिनी बैंक स्टेटमेंट जो इसमें से उसके ऊपर वाला जो है, इस पर मैं एक मिनट के लिए कॉल कर देता हूँ। तो आप जैसे ही कॉल करेंगे इस पर, तो इस तरह से जैसे मैं कॉल कर लेता हूँ, जैसे कॉल किया और मुझे जो कि है SMS के द्वारा मुझे प्राप्त हो गए। तो इस तरह से आपको भी हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।